लर्निंग लॉ बीएनएसएस सेक्शन इज 98 पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड एंड टू इश्यू सर्च वारंट फॉर द सेम। तो ये गवर्नमेंट के पास पावर है कि न्यूज़पेपर बुक या कोई डॉक्यूमेंट जिन्होंने भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 152 196 197 294 295 और 299 के तहत अपराध किया है तो गवर्नमेंट उस पब्लिकेशन की चाहे वो न्यूज़पेपर हो बुक हो या डॉक्यूमेंट हो है ना तो उसकी हर कॉपी को गवर्नमेंट जब्त करने का आदेश पारित कर सकती है। तो ये अपने ऑफिशियल गजट के अंदर वो पारित करेगी। तो हर पुलिस ऑफिसर के पास में पावर है कि वो उन कॉपीज को सीज कर लेगा और ऐसा ही लेवल का जो पुलिस ऑफिसर है वो उस किसी पर्टिकुलर प्लेस में जाके उस कॉपीज की सर्चिंग भी कर सकता है। यहाँ पे जो न्यूज़पेपर और बुक की बात हो रही है तो ये न्यूज़पेपर और बुक प्रेस और रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होने चाहिए, ये समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। इसमें तीन सबसेक्शन है तो 1 में तो ये समझा रखा है गवर्नमेंट जब्त कर सकती है, 2 में ये समझा रखा है कि न्यूज़पेपर और बुक प्रेस और रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत दर्ज होने चाहिए और पेंटिंग ड्राइंग फोटोग्राफ और विजिबल रिप्रेजेंटेशन वो कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसको गवर्नमेंट जब्त करने का आदेश दे सकती है। इसमें खास बात यह है कि गवर्नमेंट की बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर है कि कोई दूसरा कोर्ट कोई भी कोर्ट उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता। केवल और केवल इंटरफियर करने का मेथड सेक्शन 99 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बता रखा है। इसमें केवल हाई कोर्ट के जजेज के पास ही ये पावर है कि वो इस चीज को रद्द कर सकती है। तो हम समझते हैं सेक्शन 99। तो एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड डिक्लेरेशन ऑफ फॉरफिटर। तो जो पर्सन जिसको इंटरेस्ट है न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस है ना बुक्स के अंदर या उसी का कोई अधिकारी या कर्मचारी या डायरेक्टर जो भी है वो 2 महीने के अंदर जब भी ऑफिशियल गजट के अंदर प्रकाशित होता है फॉरफिटर का आदेश तो 2 महीने के अंदर एप्लीकेशन फाइल करेंगे हाई कोर्ट के अंदर। तो इसमें 5 सबसेक्शन है तो फर्स्ट में ही समझा रखा है 2 महीने के अंदर ऑफिशियल गजट के 2 महीने के अंदर एप्लीकेशन हाईकोर्ट में दर्ज होनी चाहिए। ये जो एप्लीकेशन है ये 3 या 3 से ज्यादा जो जजेज होंगे वो देखेंगे 3 या 3 से ज्यादा जजेज, ये समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। जिस न्यूज़पेपर या बुक्स या डॉक्यूमेंट के खिलाफ गवर्नमेंट ने फॉरफिटर का आदेश दिया गया है वो यहाँ पे एविडेंस की तरह काम में आएगा, ये समझा रखा है सबसेक्शन 3 के अंदर। सारे तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट फॉरफिटर के आदेश को सेट असाइड कर सकता है, ये समझा रखा है सबसेक्शन 4 के अंदर। यदि जजेज के बीच में ओपिनियन में डिफरेंस हो तो उस केस के अंदर जजमेंट मेजोरिटी ऑफ जजेज के द्वारा दिया जाएगा, वही ओपिनियन जजमेंट बनेगा, ये समझा रखा है सबसेक्शन 5 के अंदर। तो केवल और केवल हाईकोर्ट की बेंच के पास हाईकोर्ट की एक कंप्लीट बेंच 3 or more से ज्यादा जजेज जब होंगे उन्हीं के पास में पावर है कि वो गवर्नमेंट के फॉरफिटर के आदेश को रद्द कर सकते हैं।